जय माँ काली। केतु ग्रह और चार पुतले, चार पुतलों में आप केतु को कपा सकते हैं। केतु अपना जान छोड़कर भागेगा। देखिए भाइयों बहनों, क्या होता है कि अगर आप केतु से प्रभावित हैं, केतु की अंतर्दशा चल रही है अथवा केतु की महादशा चल रही है, या केतु आपके लग्न में या सप्तम भाव में बैठकर आपको परेशान कर रहा है, अगर केतु आपके लग्न में बैठेंगे तब आप मानसिक तौर पर बहुत विचलित रहेंगे। आप में निर्णय की क्षमता का अभाव होगा। क्या कार्य करें इसका आप निर्णय ही नहीं ले सकते। अगर विद्यार्थी है और वह 10th पास कर चुका है तो वह सोच नहीं पाएगा कि हम साइंस लें, हम मैथ्स लें कि बायोलॉजी लें, हम कॉमर्स लें या क्या करें, लॉ की पढ़ाई पढ़ें या मेडिकल में जाएं, निर्णय ही नहीं ले पाएगा। ऐसे ही समय में लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनके ग्रह नक्षत्रों को देखकर बतलाती हूँ कि आप अमुक कैरियर में जाओ, आपको सफलता मिलेगी और सफलता ज़रूर मिलती है। तो यह हुई बात अगर केतु लग्न में हो, और यही केतु अगर सप्तम भाव में हो तो उनका जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत सुखी नहीं रहता। पारिवारिक कहने का मतलब है उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है। तो ये सारे कार्य करते हैं केतु। और अगर केतु मंगल के साथ दशम भाव या चतुर्थ भाव में बैठ जाए और केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह से केस मुकदमे का सामना करना पड़ता है, जेल तक जाना पड़ सकता है। भले वो कोई गलती नहीं किए हों, लेकिन परिस्थितियां केतु ऐसा ला देगा कि उन्हें जाना पड़ सकता है। और जब तक केतु प्रभाव डालता रहेगा, बेल भी नहीं होगा। तो इनसे बचने के लिए आज जो हम उपाय बतलाने जा रहे हैं वे बहुत ही वह कारगर है। एक तरह का एक टोटका है, और आप देखते होंगे कभी कभी टोटके बहुत काम करते हैं। क्या होता है कि जब आप टोटका करते हो तो पूरे मन से करते हो। थोड़ी देर का वह कार्य जो होता है टोटका का, उसमें आपका समग्र ध्यान समर्पित रहता है। तो जिस चीज़ में आपका समग्र ध्यान रहेगा वह कार्य आपका जरूर हो जाएगा। तो जब आप राहु का टोटका कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान वहाँ पर होना चाहिए, और होता ही है, क्योंकि आप जान रहे हैं हम जेल में हमको बेल चाहिए। पूरा मन में चलता रहेगा और आप टोटका करते रहेंगे। आपको घर बनाने में लफड़ा हो गया है, मुझे घर बनाना है, ये लफड़े नहीं चाहिए। आप मन ही मन करते रहेंगे जब तक इस टोटका को संपन्न नहीं कर लेते हैं। तो केतु में क्या है, केतु का सिर्फ धड़ है, दिमाग होता नहीं है, सिर्फ धड़ है। आपको परेशान करता रहेगा, लात मारता रहेगा, घूसा मारता रहेगा, आपको उससे निजात पाना है। तो यह उपाय जो है वह केतु को धक्का दे के तुरंत आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा। आपको बहुत कम उपाय में, बहुत कम परिश्रम में आपको यह उपाय जो है सफलता दे देगा, केतु को आपकी ज़िंदगी से दूर भगा देगा। और जो केस मुकदमे में पड़े हुए हैं उससे लाभ मिल जाएगा, केस मुकदमे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट अटक गया है उनका रिजल्ट आ जाएगा। ये सारे ग्रह केतु ही करवा रहे हैं। अभी जिस परीक्षा में, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुए, उसमें जो बच्चे नहीं आ पाए थे, अब तो प्रक्रिया दूसरी है, इस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जो परीक्षा हुई उसमें कुछ बच्चे सफल हुए, चाहे पेपर लीक हुआ हो या ना हुआ हो, कुछ बच्चे सफल हुए, कुछ बच्चे सफल नहीं हुए। तो जो बच्चे सफल नहीं हुए आप उनकी कुंडली उठाकर देखो, वो या तो केतु से प्रभावित होंगे या राहु से प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा करता है केतु,
इसी केतु को आपकी जिंदगी से निकाल बाहर करने के लिए मैं यह उपाय बतला रही हूँ। आप क्या करें कि सफ़ेद आधा मीटर का कपड़ा वाइट कलर का खरीदें और अनार की 16 डंटियाँ लें, छोटी छोटी, इतनी बड़ी, चार चार इंच की 16 डंटियों का को इकट्ठा करें। अगर आपके घर में नहीं है, आप नर्सरी चले जाएं, वहाँ से आप एक अनार का पौधा खरीद लें। आप उसे तोड़ेंगे तो डंठी आपको मिल जाएगी, और घर में रख लें और वाइट धागा रखें, ध्यान रहे ब्लैक नहीं, वाइट, वहाँ पे वाइट धागा होना चाहिए, 16 अनार की डंटी होनी चाहिए, सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए नया, और काला रंग होना चाहिए। किसी भी पंसारी के दुकान से ब्लैक कलर का रंग ले आए। शनिवार के दिन आप स्नान करें और उस वाइट कपड़े को चार पुतला बनाना है आपको, और हर एक पुतले में 2 अनार की डंटी को हाथ बनाएं और 2 अनार की डंटी को पांव बना दें। इस तरह से आपके 4 पुतले बनेंगे। 4 पुतलों को बनाने के बाद आप वहीं सामने में एक पात्र में जल रखें और काला रंग रखें, और काले रंग को आप उस जल में घोल दें। जब वह घुल जाए, काला रंग को जब आप घोल दें, तो संपूर्ण पुतले को डुबा दें ताकि वह ब्लैक हो जाए। आप कहेंगे कि ब्लैक कपड़ा भी खरीद सकते थे, उसे ब्लैक करना है, तो नहीं, ब्लैक कपड़ा से नहीं करना, आपको वाइट कपड़ा से करना है, और पुतला बनाने के बाद उसको काले कलर में डालकर उसे काला बना लेना है। काला बनाने के बाद आप उसे पूजा स्थान पर एक पेपर बिछा दें और उस पर रख दें। वहाँ रखने के बाद आप हनुमान जी को सामने में रखें। हनुमान जी से राहु केतु बहुत डरते हैं, और या फिर आप शिव जी को मानते हैं तो शिव जी की, शिव पार्वती की प्रतिमा हो अथवा शिवलिंग हो, वहाँ पे रहें। इसके बाद आप 11 अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती को आप क्लॉकवाइज उन पुतलों को दिखाएं और हनुमान जी या शिव जी को रखें, उन्हें दिखाकर, कहने का मतलब आप शिव जी या हनुमान जी का अच्छे से पूजन कर लें, अगरबत्ती धूप दीप जल प्रसाद सब कुछ चढ़ा दें, और उन पुतलों को सिर्फ अगरबत्ती दिखाना है। अगरबत्ती दिखाने के बाद उन पुतलों को वहीं पे आप छोड़ दें। यह प्रक्रिया करें आप शनिवार के दिन। रविवार को जब आप प्रातः उठते हैं तब स्नान वगैरह करें और फिर से एक बार 11 अगरबत्ती जलाएं और उन पुतलों को दिखाएं और शिव और हनुमान जी की पूजा करें, और उन चारों पुतलों को आप अपने घर में चारों दिशा में टांग दें। जो आपने पुतले बनाए हैं, जो आपने उसे काले से रंग लिया है, उसमें एक धागा पहले से लगा दें, वह भी रंग जाए काला, ताकि उसे आप लटका सकें। अपने घर के चार कोनों पे आप लटका दें, और कुछ नहीं करना आपको। जब आने वाला शनिवार आएगा तब आप उन पुतलों को स्नान वगैरह कर लें, अच्छे से पवित्र हो लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, उन पुतलों को आप उतार लें और फिर से शिव या हनुमान जी के पास रखें और एक बार फिर से 11 अगरबत्ती जलाएं। शिव और हनुमान जी का पूजन करें, 11 अगरबत्ती उन पुतलों को दिखाएं, जलाएं, और फिर आपके मन में जो भी इच्छा है, केतु के कारण जो कार्य नहीं हो रहा था, आप सोचें कि मेरा वह कार्य हो गया है, और पास्ट टेंस में सोचें, वह कार्य हो गया है, जैसे घर बनाना है तो घर बन गया है, पास होना है तो हम परीक्षा में पास हो चुके हैं, इस तरह से करें। और फिर उठकर उन चारों पुतलों को लेकर आप कहीं किसी दूर एकांत जगह में चले जाएं और वहां जाकर एक छोटा सा गड्ढा कर लें और उसे, हर एक पुतले को अलग अलग एक एक बार करके,
एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करें, एंटी क्लॉकवाइज करके एक पुतला को पूरब दिशा में छोड़ दें, फिर दूसरा दूसरे पुतले को करें पश्चिम दिशा में छोड़ दें, फिर तीसरे पुतले को करें उत्तर दिशा में छोड़ दें, और फिर एक पुतला जो बचा हुआ है उसको करके दक्षिण दिशा में छोड़ दें। दूर मत फेंकें, क्योंकि फिर वह किसी के पाँव में पड़ेगा तो उन्हें खराबी कर जाएगा, इसलिए दूर नहीं फेंकना, बस दिशा में, उस दिशा में ऐसे गिरा देना है। गिरा देने के बाद आप वहाँ पर जो आपने पहले से गड्ढा कर लिया, फिर उन पुतलों को किसी लकड़ी वगैरह से हाथ से स्पर्श नहीं करना, लकड़ी से टालकर उस गड्ढे में डालकर उस पर से मिट्टी डाल दें। आपका केतु बिल्कुल आपके जीवन से भाग जाएगा, यकीन करिए। और यह जानकारी अच्छी लगी, आप इसे लाभ उठाना चाहते हैं, दूसरों को भी लाभ देना चाहते हैं, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फेसबुक पर और इंस्टा पर भी। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। जय माँ काली।